हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज बैक नया डिजाइन कैसे बनाए। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकॉन का बटन दबाइए जिससे आपको मेरी वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। देखिए, मैंने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिया है और मैंने देखिए अलग से कपड़ा लिया है प्रिंट में, और मैं आपको ब्लाउज का साइज बताती हूँ। देखिए, ब्लाउज की जो लंबाई ली हमने 14 इंच ली है, और देखिए ये हम 32 साइज बना रहे हैं, तो डबल फोल्डर में 8 इंच लिए, 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर भी हमने 6 इंच लिए, मुड्डे भी हमें 6 इंच लिए, और हमने 1.5 इंच की गुलाई दी है। तो मैं आपको डिजाइन बताऊंगी, तो डिजाइन हम लाइनिंग पे कट करेंगे, तो ब्लाउज और हमने जो डिजाइन के लिए कपड़ा लिया है इसे हम अलग रख लेते हैं। तो देखिए, इस साइज से हम 2.5 इंच का निशान लगा लेते हैं, और देखिए इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 10 इंच लेंगे। देखिए इस पर, अब देखिए इस साइड हम निशान लगाएंगे। देखिए इस साइड हम जो निशान लगाएंगे वो हम 4 इंच में निशान लगाएंगे, वहां हमने 2.5 इंच पर लगाया था, यहां पर 4 इंच पर लगाएंगे। और लंबाई हम सेम लेंगे 10 इंच। देखिए इस तरह, अभी हम खोलेंगे, अब जो हमने यहाँ पे 4 इंच में निशान लगाया है यहां से हम इसमें गुलाई देंगे। देखिए इस तरह से, अब देखिए यहाँ पे हमारा 1.5 इंच का गैप आ रहा है, तो हम 1.5 इंच में निशान लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से, अब इसे हम कट करेंगे। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिए, इसको हम इस तरह से रखेंगे अब साइड में। अब देखिए हम यहां भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, अब इसको हम साइड में रख लेंगे। देखिए, जो हमने कपड़ा लिया था अलग से प्रिंट में, इसके हम पट्टियां कट करेंगे और इसकी हम डोरी बनाएंगे। तो देखिए, इसकी डोरी के लिए हम 1.5 इंच का ले लेते हैं और इस तरह से पट्टी ले लेते हैं। इसके हमें डोरी निकालनी है। देखिए इस तरह से मैंने कट कर लिया। देखिए, हमने एक पेपर लिया है और इसके ऊपर हमने अपना ड्राफ्ट रख लिया जो हमने पट्टी कट की थी, और देखिए इस तरह से सेट कर लेंगे। देखिए यहां से हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा ये 1 इंच है। देखिए इस तरह से, अब हम इस पर ड्रॉ भी कर लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे हम कट कर लेंगे, अब हम सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए नीचे मैंने ब्लाउज सीधा रखा है, इसके ऊपर लाइनिंग रखा है और पूरा पेंसिल सेट कर लिया नेक हमने, और सिलाई करेंगे अब हम।
दिए मैं नेक पे सिलाई कर दी और नीचे भी स्ट्रेट सिलाई कर दिए। अब नेक हम कट करेंगे। इस तरह से हमने कट कर दिया। अभी साइड से हम पलट देंगे। देखिए इस तरह से अब इसके ऊपर भी सिलाई कर दी, नीचे भी सिलाई करेंगे स्ट्रेट। देखिए हमने नेक पे सिलाई कर दिए और नीचे भी स्ट्रेट सिलाई कर दिए। देखिए मैंने डोरी निकाल ली है और डोरी की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और देखिए हमने जो डोरी बनाई है इसकी हम कट करेंगे छोटी छोटी पट्टियां। इसकी जो लंबाई लेंगे वो हम 2.5 इंच लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने सारी डोरियां कट कर ली है। देखिए जो हमने पेपर कट किया था यहाँ पे हम इस तरह से डोरी लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने पूरे में लूप लगा दी एक साइड। अब दूसरी साइड हम लगाएंगे तो इसके अंदर रखेंगे एक लूप इस तरह से। तो यहाँ पे सिलाई करेंगे। इस तरह से हमने पूरी डोरी लगा दी। और देखिए हमने हमारा जो ब्लाउज था सेम मैचिंग हमने पट्टी कट करी है क्रॉस में 1.5 इंच चौड़ी। और देखिए जो हमारा है इसमें हम थोड़ा कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया। और जो पट्टी है इस तरह से नीचे से लेंगे हम। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर दी। अब इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इसके ऊपर। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमने फिनिशिंग दे दी। अब इसको हम इस तरह से रखेंगे ब्लाउज के नीचे इस तरह से। देखिए इस तरह से पिन से सेट कर लेते हैं पूरा। देखिए इस तरह से मैंने पिन से सेट कर लिया। अब सिलाई करेंगे इसके ऊपर हम। और देखिए हमने एक ग्रीन कलर की लेस ली है इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे यहाँ पे हम।
देखिए इस तरह से मैंने पूरे में लेस लगा दी, तो इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया। अब हम नीचे से पेपर निकाल देंगे वाला। देखिए मैंने पेपर निकाल दिए नीचे, देखिए इस तरह से, और देखिए इस तरह से हमारा पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो गया। इस आसान तरीके से भी सुंदर सा डिजाइन बना सकते हैं ब्लाउज के लिए। अगर आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये डिजाइन कैसी लगी।